हेलो दोस्तों, तो हम मूवी की स्टार्टिंग में एक बोट को जो कि समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच होती है, जिसमें एक आदमी होता है जो को काफी ज्यादा समय से इस बोट पर रह रहा था। दोस्तों वो अपनी मर्जी से इस बोट पर नहीं रह रहा होता है, वो इस बोट पर बहुत बड़ी मजबूरी के मारे रह रहा होता है। और दोस्तों इस आदमी का नाम मैरिनर होता है, और तो और दोस्तों इसने इस बोट को बिल्कुल अपने घर की तरह बनाया हुआ था, और यहाँ इसे इस बोट पर इसलिए रहना पड़ रहा था क्योंकि दोस्तों ये वो वक्त है जब दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघल गए हैं और पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जमीन का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा होता है, जो कि सब पानी में डूब चुकी है। तो दोस्तों ऐसे वो लोग जो जिंदा बचे हैं वो बेरी जहाजों और बोट में रहकर इस समुद्रों में भटक रहे हैं, लेकिन इन सभी लोगों को अभी भी उम्मीद है कि इस धरती के आखिरी हिस्से में अभी भी ठोस जमीन मौजूद है, जहां पर जाकर ये फिर से दुनिया बसा सकते हैं, जिसे ढूंढ कर ये लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकते हैं। दोस्तों जिसके बाद मैरिनर खाने की तलाश में पानी के अंदर जाता है मछली पकड़ने के लिए। काफी बहुत समय पानी के अंदर देने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है, तभी वो अपनी बोट पर वापस आ जाता है। इसी दौरान उसे एक दूसरी बोट दिखती है, तो मैरिनर उस बोट के मालिक से बात करता है और वो बोलता है कि देखो समुंदर का ये नियम है कि जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, मतलब कि वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ में अपना सामान एक दूसरे से बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो दूसरा आदमी उससे ये मना कर देता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं अपना कोई भी सामान तुम्हारे साथ में बदलना नहीं चाहता हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत है। जिसके बाद वो अपनी बोट लेके वहाँ से निकलने लग जाता है। दरअसल दोस्तों उस दूसरे आदमी ने मैरिनर की बोट से चुराए थे, तो उस आदमी को ये लग रहा होता है कि मैरिनर बहाना करके उसे अपने पास बुला रहा है, तो इसलिए बात ज्यादा आगे ना बढ़े तो वो वहाँ पर से जाना ही सही समझता है। फिर दोस्तों वो बोट वाला आदमी जब थोड़ी दूर पहुँच जाता है तो वो मैरिनर को उसके माल्टे दिखाकर चिढ़ा रहा होता है, जिसे देखकर दोस्तों मैरिनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बोट को तेजी के साथ में उसके पीछे भगाने लगता है। और वो उस आदमी की बोट के पास पहुँच कर उसकी बोट को तोड़ फोड़ कर बराबर कर देता है और वहाँ से आगे जाने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ देरी के बाद समुद्री लुटेरे भी उस आदमी के काफी ज्यादा पास आ गए थे, जो कि उस माल्टे चुराने वाले आदमी के ऊपर हमला करके उसे जान से ही मार देता है। जिसके बाद दोस्तों मैरिनर एक समुंदर में ही मौजूद एक कबीले के पास में जाता है, जो कि दोस्तों वो इस कबीले के पास दरअसल अपने सामान को बेचने आया है था, लेकिन उस कबीले के लोग मैरिनर के सामान को खरीदने से ही मना कर देते हैं क्योंकि उसका सारा सामान बेकार था, जो कि किसी भी काम का नहीं होता है। तभी मैरिनर उसके बाद उन लोगों को एक बोतल में रखी मिट्टी दिखाता है, जिसको देखकर उस कबीले का सरदार उसको अंदर आने के लिए बोलता है। दोस्तों दरअसल सभी जगह पानी होने के मारे वो लोग मिट्टी को देखकर चौंक जाते हैं, जिसकी उसे बहुत ज्यादा कीमत मिल सकती है। सभी जगह पानी होने के मारे मिट्टी को मांग भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि उससे अनाज उगाया जा सकता था। फिर उस मिट्टी को कीमत लगाई जाती है, इस काफिले के लोग उस मिट्टी के उसे 4 सिक्के दे रहे होते हैं, लेकिन वो मिट्टी बहुत कीमती थे इसलिए मैरिनर उसके 8 सिक्के मांगता है, जिस पर वो लोग मान भी जाते हैं और उसे 8 सिक्के दे दिए जाते हैं, जिन सिक्कों को लेके वो वही एक दुकान पर सामान खरीदने जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि दुकान कहीं से भी दुकान नहीं लग रही थी क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक दो चीजें ही होती है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं था खरीदने के लिए। तभी मैरिनर वहाँ से थोड़ा पानी और टमाटर का पौधा खरीदता है क्योंकि वहाँ पर पानी की भी किल्लत थी। आपको तो पता ही है कि समुंदर का पानी तो पिया ही नहीं जा सकता था। उस पानी के बदले वो अपने सारे पैसे उस दुकान की मालिक को दे आता है, जिसका नाम था हेलन। और फिर जब मैरिनर वहाँ से सामान के लिए जा रहा होता है, तभी उस कबीले कुछ लोग एक लड़की को लेके उनके पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर तुम इस लड़की शादी करोगे तो तुम यहाँ से जो चाहो वो यहाँ से लेके जा सकते हो। और उस कबीले के लोग ऐसा सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैरिनर बहुत होशियार और ताकतवर था, जबकि उसके मुकाबले वहाँ के सभी लोग भूसदिल होते हैं क्योंकि उन सभी का ये मानना था कि शादी के बाद जो मैरिनर का जो बच्चा वो भी बिल्कुल उसी की तरह बहुत बहादुर होगा। मगर वो इसके लिए उन सभी लोगों से साफ मना करके वहाँ से जाने लगता है। मैरिनर का ये रूप देखकर कबीले वाले लोग समझते हैं कि मैरिनर कोई इंसान नहीं बल्कि जलपरी है, क्योंकि वो बहुत समय से उस बोट के अकेला ही रह रहा था और जब उसे आज मौका मिल रहा था शादी करने का तो उसने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। और बल्कि अगर वो सच में इंसान होता तो वो इस शादी से कभी भी इनकार नहीं करता। तभी उस कबीले के लोग उसे वहां से जाने नहीं देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी उसे पकड़े एक आदमी मैरिनर के कान के पीछे एक निशान देखता है, जो कि सिर्फ जलपरी के कान के पीछे ही होता है, जिसे देखकर वो आदमी घबरा जाता है और उसे पानी के अंदर फेंक देता है। उसके बाद वो सभी लोग उसको पानी से निकाल कर एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। अब वो लोग उसे पानी में डूबा कर मारने की सोच रहे होते हैं क्योंकि ये सभी लोग किसी भी इंसान को मारने के बाद उस इंसान की खाद बनाकर इस्तेमाल करते थे और वो सभी लोग मैरिनर को मारने के बाद भी यही करने वाले थे। मगर वो इससे पहले वो ये कर पाते, उससे पहले वहाँ पर कुछ समुद्री लुटेरे आ जाते हैं और इनके कबीले पर हमला कर देते हैं। तभी सभी लोग डर कर वहाँ से इधर उधर भागने लग जाते हैं और ये सभी कोई मामूली लुटेरे नहीं थे, बल्कि ये लुटेरे काफी अमीर और खतरनाक होते हैं क्योंकि इन सभी के पास बहुत बड़े बड़े और महंगे हथियार थे। इसके अलावा कुछ उड़ने वाले हथियार भी थे, जो कि इस समय में किसी के पास नहीं होते हैं। फिर वो लोग अपने हथियारों से कबीले के ऊपर लगातार
गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से उस कबीले का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वहां पर चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है और सब कुछ टूट गया था। वो कबीला पूरी तरह तहस नहस हो गया होता है। तभी उस दुकान के मालिक हेलेन मैरिनर को जब डूबता हुआ देखती है और सभी वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी बोट पर बचा कर लेके जाना होगा, जिसके लिए मैरिनर मान जाता है। तभी तुरंत हेलेन उस जाल के दरवाजे को तोड़कर उसे बाहर निकाल देती है, जिसके बाद हेलेन और उसकी बेटी को बचाकर अपनी बोट पर ले जाता है। तभी अब हमें पता चलता है कि हेलेन की बेटी की कमर पर एक टैटू होता है, जो कि एक आइलैंड का नक्शा होता है, और ये वही जगह होती है जहाँ पर ठोस जमीन होती है और जहाँ पर ये लोग अपना जीवन दोबारा वसा सकते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैरिनर सच में ही एक जलपरी ही है, इसीलिए वो पानी में सांस भी ले सकता है। वो हेलेन से बोलता है कि नहीं तो तुम या तो तुम्हारी बेटी में से किसी एक को मारना होगा, क्योंकि हमारे पास पीने का पानी बहुत ही थोड़ा है, और अगर तुम दोनों में से कोई एक अगर नहीं मरा तो प्यास की वजह से हम तीनों ही मार जाएंगे। ये सुनकर हेलेन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कैसे भी मैरिनर को बना मना लेती है अपनी बेटी और खुद को जिंदा रखने के लिए। उसके बाद हम उस खतरनाक लुटेरों के सरदार को देखते हैं, जो कि एक आंख से अंधा था लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। वो अपने साथियों से बोलता है कि कैसे भी करके मुझे वो बच्ची चाहिए जिसकी पीठ पर वो नक्शा है। जिसके बाद वो अपने सारे लुटेरे साथियों को बहुत सारी सिगरेट देकर मजे करने के लिए बोलता है और उन सभी के साथ में वो खुद भी बहुत इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बोलता है कि सरदार, अपने जहाज का तेल तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो सरदार काफी ज्यादा गुस्से से भर जाता है। और तभी हमें ये पता चलता है कि वो अंधा होने के साथ में थोड़ा सा पागल भी होता है, क्योंकि जो उसका दिल करता था वो वही करता था, और फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। तभी वो उस वक्त बेसा ही करने लगता है। वो माचिस को तिल्ली जलाकर तेल के टैंक में फेंकने वाला था, लेकिन उससे पहले उसके टैंक में आग लगती और जहाज तबाह होता। उससे पहले एक आदमी तिल्ली को पकड़ लेता है और उसे बुझाकर जहाज ब्लास्ट होने से बचा लेता है। और फिर वो सरदार अपने लुटेरों को उस टैटू वाली लड़की को पकड़ने के लिए भेजता है। उधर मैरिनर अपनी बोट पर हेलेन और उसकी बेटी को लेके जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर उस लुटेरे सरदार का हवाई जहाज आकर मैरिनर की बोट पर हमला कर देता है, जिससे लड़ने के लिए मैरिनर हथियार लाने के लिए बोट के नीचे वाले हिस्से में जाता है। ये देखकर हेलेन को लगता है कि मैरिनर डर कर हमें यहां पर छोड़कर भाग गया है, इसीलिए वो खुद एक हथियार से उन लोगों के हवाई जहाज पर अटैक कर देती है। फिर जैसे ही वो तीर उनके जहाज पर लगता है, जिससे वो हवाई जहाज खत्म तो नहीं होता है, बल्कि वो तीर उस रस्सी के साथ में बाहर जहाज पर अटक जाती है, जिससे वो हवाई जहाज उनकी बोट के चारों तरफ घूमने लग जाता है। और तभी इतने में वहां पर मैरिनर आकर कैसे भी करके उस रस्सी को काट देता है, जिससे वो जहाज आजाद होकर वहां से भाग जाता है। और ऐसा करके हेलेन ने उस हथियार का एक तीर बर्बाद कर दिया था, इसीलिए मैरिनर उस पर और उसकी बेटी पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। उन दोनों को सजा देने के मारे वो उन दोनों के बाल काट देता है, जिसके बाद वो लोग दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं। तभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां पानी में एक जहाज दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर हेलेन बोलती है कि हमें इस जहाज पर जाना चाहिए, ताकि वहां से हमें कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिल सके। फिलहाल के लिए मैरिनर वहां जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो हेलेन की बात मानते हुए उस जहाज के मालिक के पास जाता है, जहां पर जाकर उसे ये पता चलता है कि ये एक सौदागर है। और वो वहीं पर हेलेन को खरीदने की बात करता है, मगर उसके पास मैरिनर को देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और तभी वो मैरिनर को एक कागज दिखाता है, और अब कागज की बहुत ही ज्यादा कमी थी और इस दौर में किसी के पास भी कागज नहीं होता है। तो मैरिनर हेलेन को कागज के बदले में आधे घंटे के लिए उस सौदागर के साथ में जाने के लिए बोलता है। और फिर हेलेन जैसे ही उसके पास जाती है, तभी वो तुरंत हेलेन को लेकर जहाज के नीचे वाले हिस्से में लेकर आ जाता है। और अभी वो नीचे पहुंचा ही था, तभी इतने में उसके पीछे पीछे मैरिनर भी वहां पर आ जाता है और उससे बोलता है कि अब बस तुम्हारा समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए थे। इसीलिए वो सौदागर बहुत गुस्से में आ जाता है और एक चाकू लेकर मैरिनर पर हमला कर देता है, लेकिन मैरिनर उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, तो वो इसीलिए उसी के चाकू छीन कर उसे उसी से मार देता है। अब मैरिनर ये जानता था कि हेलेन और उसकी बेटी काफी ज्यादा भूखे हैं, तो वो इसीलिए उस पानी में कूदता है और एक बहुत बड़ी मछली को मार कर लाता है, जिसके बाद वो लोग उस मछली को पेट भरकर खाते हैं। तभी अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे हेलेन और मैरिनर की दोस्ती बढ़ रही थी, मतलब वो लोग अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब इसीलिए वो हेलेन की बेटी को तैरना भी सिखाता है, और जहां पहले वो उन दोनों को पसंद नहीं करता था, और अब वो तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। और फिर एक दिन मैरिनर फिर से देखता है कि एक बोट और है, जो कि उसकी बोट के पीछे होती है। अब उसे ये तो समझ तो आ नहीं रहा था कि ये बोट आखिर किसकी है, लेकिन जैसे ही हेलेन उस बोट देखती है तो वो वैसे ही समझ जाती है कि आखिर ये बोट किसकी है। और वो ये समझ जाती है कि ये बोट लुटेरों की है। वो ये बात मैरिनर को बताती है, और ये भी कि ये लोग मेरी बेटी को पकड़ने के लिए यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे पीठ पर एक ठोस जगह का नक्शा है, जो कि एक आइलैंड है। जो सुन मैरिनर बोलता है कि मैं ये नहीं मानता, क्योंकि ये नामुमकिन है, क्योंकि पूरी दुनिया खत्म हो गई है, तो ये जमीन कैसे हो सकती है। जिस पर बोलती है कि ये बात बिल्कुल सच है, ये जमीन सच में मौजूद है, क्योंकि जब ये बच्ची मुझे मिली थी तो इसके हाथ पर मिट्टी थी। तो अब तुम खीर अंदाजा लगाओ कि मिट्टी तो सिर्फ जमीन पर ही मिल सकती है ना। तभी ये राज भी खुलता है कि ये बच्ची हेलेन की अपनी बच्ची नहीं है, बल्कि वो उसे पानी में मिली थी जब वो डूब रही थी, और तब हेलेन ने उसकी
जान बचाई थी और अब उसकी ये बात सुनकर मैरिनर को बहुत गुस्सा आ गया था। इसलिए वो हेलन को पानी की घेराइयों में एक सबमरीन में बंद करके ले जाता है। सबमरीन दरअसल एक छोटी सी बोट होती है जो कि हर तरफ से बंद होती है और इसका इस्तेमाल सिर्फ पानी की घेराइयों में जाने के लिए किया जाता है। और तभी अब पानी की गहराई में आकर हेलन देखती है कि यहाँ पर तो आलीशान इमारतें हैं जो कि सब कुछ खत्म होने की वजह से यहाँ पर डूब गई है। और तभी ये सभी लोग जब वापस ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि वो समुद्री लुटेरे इनके काफी ज्यादा पास आ चुके हैं। वो लुटेरे इनकी बोट पर आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी उन लुटेरों का सरदार उनसे पूछता है कि वो बच्ची कहाँ है जो तुम्हारे साथ में थी, और अब सच में वो उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसलिए वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। ये सुनकर इस सरदार को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो उन दोनों को मारने का हुक्म दे देता है। और तभी हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि और कहीं नहीं बल्कि इसी बोट के नीचे छुपी हुई होती है। वो उन दोनों को मारने वाली बात सुनकर ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर वो सरदार तुरंत उसे पकड़ लेता है। और अब उसे बच्ची भी मिल गई थी, मगर वो अभी भी अपने दिए हुए ऑर्डर पर कायम रहता है। वो मैरिनर और हेलन को तुरंत मारने के लिए बोलता है, मगर वो लोग उससे पहले उनके साथ कुछ कर पाते उससे पहले वो लोग इनके साथ कुछ करते मैरिनर हेलन को लेकर पाने कूद जाता है। वो लोग उन दोनों पर गोलियां भी चलाते हैं, मगर वो लोग कैसे भी करके उनसे बच जाते हैं। तभी हेलन मैरिनर से बोलती है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं पानी में सांस नहीं ले सकती है। ये सुनकर मैरिनर हेलन को अपनी सांस देता है, क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि वो मामेट यानी जलपरी था। और तभी वो कुछ देर के बाद ऊपर आते हैं, तभी देखते हैं कि उन लुटेरों ने उनकी बोट को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया है। मगर अब उनके पास कोई भी जहाज या बोट नहीं थी, इसीलिए उन्हें उस टूटी हुई बोट पर ही अपना पड़ता है। तभी इसके बाद वो लोग उस टूटी हुई बोट पर ही बैठ कर बातें करने लग जाते हैं। तभी उसी दौरान पानी में मैरिनर को थोड़े कागज मिलते हैं जो वही कागज होते हैं जो कि उस सौदागर मैरिनर को दिए थे हेलन के बदले में। और इसी कागज पर भी उसी जमीन की फोटो बनी होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि अभी भी जमीन का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर मिट्टी है और वहां पर दोबारा से जीवन बसाया जा सकता है। मगर इस जगह पर जाने का नक्शा किसी और के पास नहीं, सिर्फ उस बच्ची के पास है, यानी कि उस बच्ची के पीठ पर बना हुआ वो टैटू। इसीलिए मैरिनर ये फैसला करता है कि वो कुछ भी करके उस बच्ची को ढूंढ कर रहेगा। मगर उनके जहाज की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस पर सफर कर सके। इसके बाद एक आदमी एक हवाई गुब्बारे में आता है और हेलन को पुकारने लगे जाता है। उसे देखते ही हेलन उसे पहचान लेती है, क्योंकि वो उसके कबीले का ही होता है। और तभी वो उन दोनों को अपने गुब्बारे में बिठा लेता है, जिसके बाद वो उन लुटेरों को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद मैरिनर को उन लुटेरों का जहाज मिल जाता है, जहां वो चोरी चोरी इस जहाज में चैट जाता है। जिसके बाद वो उस सरदार के पास जाता है और बोलता है कि उस बच्ची को हमारे पास, हमें वापस कर दो। मगर वो सरदार उस बच्ची को देने से मना कर देता है। ये इनकार सुनकर मैरिनर अपने साथ लाया बॉम्ब उनके जहाज के टैंक में डाल देता है, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे काफी सारे लुटेरे मारे जाते हैं। जिसके बाद मैरिनर उस बच्ची को ढूंढने लगता है, लेकिन वो सरदार उस बच्ची को लेकर एक हवाई जहाज में बैठकर वहां से जाने लग जाता है। मगर उससे पहले वो उस बच्ची को लेकर वहां से जा पाता, मैरिनर सिर्फ अपने हाथ से ही हमला करके उस जहाज को रोक देता है, जिससे वो जहाज भी खराब हो गया। जिसके बाद तभी वो गुब्बारे में बैठा हुआ आदमी और हेलन वहां पर आ जाते हैं और एक रस्सी के सहारे मैरिनर और उस बच्ची को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उन लुटेरों के जहाज में एक काफी बड़ा धमाका हो गया है, जिससे बचे हुए सारे लुटेरे भी मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन लुटेरों का सरदार अभी भी मारा नहीं होता है, बल्कि वो अभी भी जिंदा है, जो कि मैरिनर पर गोली चलाता है। और वो गोली मैरिनर के तो नहीं लगती, मगर वो उस हड़बड़ी में उस गुब्बारे से नीचे पानी में गिर जाती है। और अब बच्ची को पकड़ने के लिए वो सरदार अपने तीन साथियों को भेजता है, लेकिन जिससे पहले वो उस बच्ची को पकड़ पाते, उससे पहले मैरिनर ठीक वक्त पर रस्सी के सहारे से लटककर उस बच्ची को पकड़कर उसे सीधा वापस ऊपर ले जाता है। जिसके बाद वो तीनों बोट एक दूसरे के साथ में टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और आखिरकार उनकी भी मौत हो जाती है। और उसी में से एक कश्ती पर उन लुटेरों का सरदार भी होता है, जिसका भी उसी ब्लास्ट में खेल खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेलन के उस साथी को नक्शा देखना आता था। वो उस बच्ची के पीठ पर नक्शे के जरिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जमीन होती है। जिसके बाद वो लोग वहां आकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन लोगों को वहां पर एक झोपड़ी भी मिलती है, जिसके अंदर जैसे ही वो आते हैं, जहां पर उन्हें वहां पर दो कंकाल मिलते हैं जो कि किसी और के नहीं बल्कि उस बच्ची के मोम डेड के होते हैं, क्योंकि वो घर उसी का होता है। और यहां पर वो टैटू बनाने वाला पैन भी होता है, जिसकी मदद से उस बच्ची के माँ बाप उसकी पीठ पर टैटू बनाया था। जिसके बाद मैरिनर उन तीनों को वहीं पर छोड़कर अपनी बोट लेकर फिर से पानी में चला जाता है, क्योंकि उसे पानी में रहना पसंद होता है। जिसके बाद हेलन और वो बच्ची उसे जाता हुआ देखती है। और उसी के साथ दोस्तों इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बाय बाय दोस्तों।